नहीं तो जूम कर लेंगे ना। ये है विक्टोरिया पैलेस है सर, वीडियो बना लेते हैं। एकदम मस्त आ रहा है सर, मस्त आ रहा है, एकदम मस्त आ रहा है। विक्टोरिया पैलेस में है और ये कुंदन सर हो गए और ये मनोज सर हो गए। चैनल पर लोड करवे। ये हम लोग अभी विक्टोरिया पैलेस में हैं और ये विक्टोरिया पैलेस है और अभी हम लोग विक्टोरिया पैलेस में हैं, देख रहे होंगे। और ये कोलकाता में है और अंग्रेजन का पैलेस है भाई, इंडियन का पैलेस ना है। किसका है? अंग्रेज का। अंग्रेज का। तो चलिए आइए हम लोग घूमते हैं और आज का ये ब्लॉग में विक्टोरिया पैलेस का पूरी जानकारी आपको मिलेगी। धन्यवाद। विक्टोरिया पार्क, आज हम इस विक्टोरिया पार्क का पूरा व्यूज़ दिखाएंगे। विक्टोरिया स्मारक शाला है, संक्षिप्त में सिर्फ विक्टोरिया मेमोरियल, भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के कोलकाता नगर में स्थित एक ब्रिटिश कालीन स्मारक है जो 1906 से 1921 के बीच निर्मित। यह स्मारक इंग्लैंड के तत्कालीन साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। इस स्मारक में विविध शिल्पकारों का सुंदर मिश्रण है। इनके मुगल शैली और गुबंदों के सरसैनिक और पुनर्जागरण काल की शैलियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस भवन के अंदर एक शानदार संग्रहालय भी है जहां रानी के पियानो और स्टडी डेस्क सहित 3000 से अधिक अन्य वस्तुओं को प्रदर्शित की गई है। यह जो है आपको प्रतिदिन मंगलवार से रविवार तक प्रातः 10 से 4 के 4:30 तक खुला रहता है, सोमवार को यह बंद रहता है। जनवरी 1921 में रानी विक्टोरिया की मृत्यु पर लॉर्ड कर्जन ने एक स्मारक के निर्माण का सुझाव दिया। लॉर्ड कर्जन ने एक संग्रहालय और उद्यानों के साथ एक भव्य इमारत के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। वेल्स के राजकुमार जो बाद में जॉर्ज पंचम के रूप में सिंहासन सत्तारूढ़ हुए थे, वो 4 जनवरी 1906 को इसका शिलान्यास किया और इसके औपचारिक रूप से 1921 में जनता के लिए खोल दिया। 1912 में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण पूरा होने से पहले जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। इस प्रकार विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण एक राजधानी के बजाय प्रांतीय शहर में हुआ। विक्टोरिया मेमोरियल को भारतीय राज्यों ब्रिटिश राज के व्यक्तियों और लंदन के ब्रिटिश सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था। भारत के राजकुमार और लोगों के धन के लिए लॉर्ड कर्जन की अपील के उदारता पूर्वक जवाब दिया और स्मारक के निर्माण में कुल लागत 1,05,00,000 रुपये पूरी तरह उनके स्वाक्षरिक दान से प्राप्त हुई थी। 1905 में कर्जन के भारत से प्रस्थान के बाद विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण में कुछ देरी हुई। विक्टोरिया मेमोरियल का शिलान्यास 1906 में किया गया था और भवन 1921 में खोला गया था। निर्माण का काम मेमर्स मार्टिन एवं कंपनी कोलकाता का सौंपा गया। 1910 में अधिरचना का काम शुरू हुआ। विक्टोरिया मेमोरियल वास्तुकार विलियम्स इमर्सन 1924 थे जो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के अध्यक्ष थे। यह डिज़ाइन इंडो सार्सेनिक पुनर्जागरण शैली में है जिन्हें ब्रिटिश और मुगल तत्वों को मिश्रण का उपयोग वेनिसियाई मिश्री दक्षिणी और इस्लामिक वास्तुशिल्प प्रस्ताव के साथ किया गया है। इमारत 328 फुट 103 मीटर से 69 मीटर और 184 फुट से 56 मीटर ऊंची है। इसका निर्माण सफ़ेद मकरान संगमरमर से किया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल का उद्यान लॉर्ड डेडल और डेविन पेन द्वारा डिज़ाइन किया गया था। तो ये है आपको विक्टोरिया मेमोरियल संग्रहालय में जो है आपको विक्टोरिया मेमोरियल के 25 चित्र दीर्घाएँ हैं। इसमें शाही गैलरी, राष्ट्रीय राजनेताओं गैलरी, पोर्ट्रेट गैलरी, सेंट्रल हॉल, मूर्ति कला गैलरी, हथियार एवं शस्त्रागार गैलरी, अन्य कलाएं गैलरी शामिल हैं। उपवन विक्टोरिया मेमोरियल बगीचे में विस्तार से 64 एकड़ में जो है इसका रखरखाव बागवान टीम द्वारा किया जाता है। दीर्घ चित्रा जो है आपको इस प्रकार है, इसके अंदर बहुत सारी फोटोएं हैं इसके अंदर। और संदर्भ जो है भारत सरकार सांस्कृतिक मंत्रालय
वार्षिक रिपोर्ट 2008-2009 के माध्यम से ये सारी जानकारियां मैं आपको दे रहा था। और इस पे मेरा एक अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है कि ब्रिटिश काल में ब्रिटिश की यादों को संजोए का एक यह जो है सो आपको जो विक्टोरिया पार्क है, मेरे ख्याल से अब अंग्रेज़ों को याद करने की ज़रूरत आज के डेट में नहीं है, उनकी यादों को संजो के रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भारत सरकार और बंगाल सरकार का बहुत सारा रुपया इस विक्टोरिया पार्क का रखरखाव में खर्च होता है और उसको देखने के लिए टिकट जो है सो आपको पब्लिक के द्वारा देना होता है, जो पैसे की बर्बादी है एक तरह से। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक है, बट मुझे नहीं लगता है कि इनको इन यादों को अब संजोने की ज़रूरत है। चलिए इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं ख़त्म करता हूं और जो है आपको फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर ब्लेरू मठ के बारे में बताऊंगा। तब तक आप हमारी इस वीडियो को अधिक से शेयर कीजिए और भी बहुत सारी हिस्टोरिकल जगहों की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Gracias.